हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में राष्ट्र की विभूतियों की प्रासंगिकता को देखते हुए वनिता संस्था के तत्वाधान में विमर्श सुविधा के अंतर्गत जिनका देश ऋणी है के तहत नारी मुक्ति और शिक्षा आंदोलन की प्रथम महानायिका सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर भवानी दीन प्रजापति ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फूले वास्तव में देश की पहली महिला शिक्षिका थीं। ये महाराष्ट्र के सितारा जिले के नया गांव की निवासी थीं। इनका 3 जनवरी 1831 को नया गांव में जन्म हुआ था। इनका 1840 में मात्र 9 वर्ष की उम्र में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से विवाह हो गया था। शादी के बाद इन्होंने अपना शैक्षिक विकास किया। 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोला। जब ये रास्ते से निकलती थीं तो इन पर पत्थर व गंदगी फेंकी जाती थी, किंतु इन्होंने हार नहीं मानी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ने मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की, दलित नारियों को जागरूक किया, साथ ही समाज सुधार के क्षेत्र में अनेक कार्य किए। इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कालांतर में 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फूले ने इस दुनिया से विदा ले ली। कार्यक्रम में अवधेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट अशोक अवस्थी, राधारमन गुप्ता, सिद्धा प्रजापति, बाबूलाल प्रजापति, प्रेम प्रजापति, अरविंद, कल्लू प्रजापति, सुखराम वर्मा, पन्नू, मुकेश प्रजापति, दस्सी और अभिषेक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे संस्था ने जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है सावित्रीबाई फुले, उनकी जयंती मना रही है। ये महाराष्ट्र में एक सतारा जनपद है, वहाँ एक नया गांव है, वहीं पर पैदा हुए थे। इनके माँ का नाम लक्ष्मीबाई था और खंदोजी नेवासे पाटिल इनके पिताजी का नाम था। बहुत कमजोर परिवार में जन्मी, लेकिन लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण था, जिज्ञास बहुत थी। जब ये पढ़ने जाते थे, क्योंकि दलित समाज की थी तो इन पर नाना प्रकार की गंदगी, तमाम गलत सलत चीज़ें, 2 साड़ियाँ रखती थी, एक साड़ी अपने बैग में रखती थी और एक साड़ी को लेकर के वो चलती थी, वहाँ पर उसको बदल लेती थी। तो ऐसी एक बहुत महत्वपूर्ण महिला, उनकी हम आज जयंती मना रहे हैं। इनके पति का नाम ज्योतिबाराव फुले था, क्योंकि फुले का मतलब ये है कि फूलों का व्यापार होता था, इसलिए इनका नाम फुले हुआ। और इसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई 9 वर्ष में, और कभी हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ते रहे, और इनको इसीलिए नारी मुक्ति आंदोलन की जननी माना जाता है। ये देश की पहली महिला शिक्षक थे और इनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। और ऐसी एक महत्वपूर्ण विदुषी भी कहता हूं मैं, नेत्री भी कहता हूं मैं, और साथ ही साथ नारी मुक्ति आंदोलन की जननी भी कहता हूं मैं, उसको हमारी संस्था नमन कर रही है, उनके चरणों में वंदन कर रही है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।